प्लेयर्स आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। सर्कल के बाहर आपको जॉनसन अभी भी सरवाइव करते दिख रहे हैं, अभी भी हीलअप करते दिख रहे हैं, एंड देखना है कब तक बच के रहे हैं, बिकॉज दिस इज मिरामार। आप हील बैटल्स मिरामार के ऊपर नहीं कर सकते, कोशिश वही की जाएगी कि आखिरी फर्स्ट एड के बाद उठ के स्प्रे देने की कोशिश करें और एक प्लेयर को नॉकआउट एंड फिनिश कर ले। और यही सेम स्ट्रेटजी हमने कई दफा देखी है कई प्लेयर्स की तरफ से। अभी सर्कल का एंटर करने के लिए उठेंगे, जूसी को स्पॉट किया गया है, सिर्फ वेट कर रहे सही टाइम का, एंड फर्स्ट एड लगाने के बाद आई थिंक जूसी के ऊपर स्प्रे देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जूसी बहुत ज्यादा ओपन में, एंड जॉनसन को लगातार आगे बढ़ भी इसी चीज के लिए रहे कि एक मौका मिले स्प्रे करने का और स्प्रे कनेक्ट किया जूसी को, टेक डाउन किया। अब यहां पर कंफर्मेशन करेंगे, एक फिनिश भी आ चुका है, लेकिन एक फर्स्ट एड हुए, दो फर्स्ट एड्स है, इसका मतलब सर्कल के अंदर एंटर करने का एक मौका भी मिल जाएगा, और इसका मतलब हो चुका है कि सामने से आती हुई टीम और रैंगो टैंक के प्लेयर को बिलीव को भी स्पॉट करेंगे, एक और प्लेयर को नॉकआउट किया, एक और प्लेयर को फिनिश करेंगे, 8 बिट एलिमिनेट हो चुकी है पूरी तरीके से, बिलीव का भी कंफर्मेशन आ जाएगा, एंड जॉनसन अगेन एक और फर्स्ट एड सामने क्रिएट है। अगर तो फर्स्ट एड हुई बेनिफिट है, लेकिन अगर इस पेटी में फर्स्ट एड नहीं हुआ और उसके बाद जॉनथन रियली गुड।